रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो आप और उस नेगेटिविटी की वजह से और ज्यादा उसको दूर कर रहे हो। मैं बिल्कुल यहाँ पे साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से चीजों को बताऊंगा कि आप इस नेगेटिविटी को कैसे खत्म करो और वापस से रिलेशन को कैसे सेटल्ड करो, वापस से रिलेशनशिप कैसे ठीक हो जाएगा, कैसे आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, कैसे वापस से आप जो जैसे इनिशियल स्टेज में आपने शुरू किया था वैसे आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी, वैसे प्यार खिलखिला उठेगा। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि यही एक चैनल है जहां पे साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से चीजों को बताई जाती है ताकि आपका बिलीव स्ट्रांग हो और उस बिलीव के साथ उस चीज को करो तो 100% आपका रिजल्ट हो। अभी तक जितने भी मेरे पेड कोर्सेज हैं या फिर फ्री में जो भी मैंने चीजें बताई हैं या यूट्यूब को जिसने फॉलो किया है, 100% एक भी निगेटिव रिजल्ट नहीं है, एक भी नहीं, 50,000 से ज्यादा निकाल दिया। तो आप सोचो कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बस आपको 100% फॉलो करने की जरूरत होती है। निगेटिविटी कैसे खत्म करें, सिंपल भैया हमारा सवाल है कि हम बहुत ज्यादा निगेटिव, ये जो सिचुएशन आ गया है उस सिचुएशन की वजह से हम बहुत निगेटिव हैं, तो प्लीज हील कर दो, प्लीज ठीक कर दो। बिल्कुल हो जाएगा, इस वीडियो में जो बताया जाएगा आपको वो करना है, वो करने के बाद आपको खतरनाक रिजल्ट मिलने वाला है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मैं ये नहीं कहूंगा 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, 1 महीना बाद, नहीं, पहले दिन से आपको फील होने लग जाएगा कि आपकी निगेटिविटी जो है वो हील होने लग गई। और इसके लिए मैं एक चीज भी आपको बताऊंगा कि वो चीज मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अपने घर में रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता। आप जो शाम में जाते हो ना, मोमोज खाते हो ना, मोमोज, वो तो वो मोमोज के दाम में मिल जाएगा आपको, और वो घर में रखना है और साथ में एक चीज करनी है, निगेटिविटी आपके पूरे घर की खत्म, आपकी निगेटिविटी खत्म, आपके फैमिली मेंबर्स की निगेटिविटी खत्म, जितने भी रिश्ते खराब है, खराब हो चुके हैं, हो रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली मेंबर्स के साथ हो, चाहे किसी भी तरह के हो, वो ठीक होने लग जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान से देखना चाहिए। पैर मत हिलाओ पगली, मैं देख रहा हूं पैर हिला रहे हो तुम, पट पगली पट। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जो निगेटिव माइंडसेट आपने बनाया हुआ है, एक ध्यान से सुनना। मान लो आपके फोन में अभी एक मैसेज आता है आपके किसी लव्ड वन, आपके पार्टनर का, आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू। आप देखोगे, आप देखने के बाद उछलने लग जाओगे, कूदने लग जाओ, अरे वाओ क्या मैसेज आया, पूछ पूछ ये वाली फीलिंग आ जाएगी। लेकिन ये क्या, कैसे हुआ? आप एक मैसेज आया, वो मैसेज आपकी आंखों ने देखा, आंखों ने दिमाग को बताया कि ये मैसेज आया, ये थॉट जब दिमाग में गया तो एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, उस वाइब्रेशन से एक एनर्जी क्रिएट हुई, उस एनर्जी की वजह से एक इमोशन आपके अंदर जनरेट हुआ, वो इमोशन कुछ हार्मोन्स को जनरेट किया आपके बॉडी में, वो हार्मोन्स हैप्पीनेस वाली थे, तभी आप हंसने लग गए, खुश हो गए ये मैसेज पढ़ के। देखो छोटी सी चीज है, लेकिन ये कहां तक गई, एक थॉट आया, मैसेज आ गया उसका कि आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये पागल कर देगा, ये पागला, ये मैसेज जैसे थॉट, मतलब पूरी की पूरी आपकी बॉडी की लैंग्वेज बदल गई, आपके मतलब आप बहुत हैप्पीनेस फील करने लग गए सिर्फ एक थॉट। तो सोचो पिछले इतने टाइम में कितने निगेटिव थॉट्स आप अपने अंदर लाए हो और क्या उस निगेटिव थॉट का इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा आपके बॉडी के ऊपर, और बॉडी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा तो क्या आपके सराउंडिंग में इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा, और सराउंडिंग में इंपैक्ट पड़ा तो क्या आपके खुद के पर्सनल लाइफ में इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा। सोचो, मैं साइंस के हिसाब से बता रहा हूं, मैं कोई ढोंगा ढोंगी नहीं कर रहा हूं, आप सोच के देखो। तो इतने टाइम से जो निगेटिव थॉट आप अपने दिमाग में ला रहे हो, क्या वो भी रीजन नहीं है कि इस रिलेशनशिप को और ज्यादा खराब मेरे ही नेगेटिव थॉट ने किया है? जैसे आप कोई कुछ 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 इंसान जैसे मेरे से पूछते हो ना, सर उसको उसका कर्मा हिट करेगा कि नहीं? मैंने बोला करेगा, कब करेगा? कुछ लोग पेड कोर्स मेरे लिए इस मेरे पास आते हैं लेने, सर मुझे उसको बर्बाद करना है, आप जितना पैसा बोलो हम दे देंगे लेकिन वो बर्बाद हो जाए। मैंने कहा जब ये थॉट तुम अपने दिमाग में लाए कि वो बर्बाद हो जाए तो उस वो हो ना हो आप हो गए, क्योंकि है तो निगेटिव थॉट ना, इंपैक्ट तो ये निगेटिव ही डालेगा ना। एक अभी मैसेज आया आई लव यू आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो इससे आपकी पूरी बॉडी में हलचल हुई, कुछ हॉर्मोन्स, तो ये जो निगेटिव है ये भी तो कुछ हॉर्मोन्स सिक्रीट करेगा ना, और ये हॉर्मोन्स जो भी होगा ये अच्छा तो नहीं होगा, इतनी तो समझ है, इतना तो कॉमन सेंस है, तो उसके लिए बुरा सोचना बेकार है, वो देख लेगा कर्मा, हम क्यों टेंशन लें? हम अपनी खुशी का ख्याल रखते हैं ना। लोग कहते हैं कि मुझे कोई खुश नहीं रखता, ऐसा नहीं होता है। आपका खुश होना, आपका दुख होना, ये आपकी अपनी च्वाइस है, आप कौन सा उठाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। सिचुएशन सबके साथ, जो प्रेसिडेंट बैठा हुआ है उसके साथ भी कुछ खराब सिचुएशन है, कहीं ना कहीं परेशानी है,
और जो एक रोड पे गरीब है, जो भूखमरी से परेशान है, उसको नहीं पता वो कपड़ा नहीं पहना हुआ है, उसको नहीं पता रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके पास भी सिचुएशन है दोनों कि वो हंस भी सकता है रो भी सकता है। लेकिन ज्यादातर जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो लोगों के पास बहुत सारी चीजें वो दुखी होते हैं, और वो लोग जिनके पास खाने को खाना नहीं होता है वो खुश होते हैं। सोचो तुम कितने बेवकूफ हो। सागर द मोटिवेटर चैनल है ना, तो हर चीजों को इंक्लूड करना पड़ता है। आप लाइक करो ना करो, अगर मैंने मेरी ये बात सही लगी होगी ना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब। गाइस आप निगेटिव होते हो। अब आप कहोगे कि सर हम चाहते नहीं है निगेटिव होना, लेकिन हम हो जाते हैं, हम क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है। सही बात है, लेकिन आप अगर पॉजिटिव होने की कोशिश करो तब तो निगेटिविटी जाए ना। ये निगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या है, एक वाइब्रेशन है, एक प्रोसेस है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार नहीं कि आज सीधा भगवान का नाम लिया और आज हम पूरे पॉजिटिविटी हो गए, पॉजिटिव हो गए और निगेटिविटी खत्म हो गई, ऐसे नहीं होता है। एक इमोशन एक घुसा हुआ है आपके दिमाग के अंदर, उसको मुक्का मार मार के जितना पीटोगे उतना जल्दी वो बाहर निकलेगा, जितना पीटोगे, लेकिन वो पीटने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब वो बाहर निकलेगा। आप उसको छोड़ोगे तब तो वो निकलेगा, आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हो, उस दर्द में अब आपको मजा आने लगा है। और आपका एक्चुअली मैं आपको नहीं, आपके सबकॉन्सियस को, आपके सबकॉन्सियस को ऐसी आदत हो गई है कि मुझे उसी पेन में मजा आ रहा है, इसलिए मैं उसी थॉट को रखूंगा अपने पास में। तो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस निगेटिविटी को कैसे हील करो। अब ये सुनो, आपको कुछ नहीं क्या मतलब करना है, आपको एक लाल नमक आता है, लाल नमक या फिर सेंधा नमक भी हम उसको उसके जगह पे कर सकते हैं, सेंधा नमक। सेंधा नमक अगर नहीं पता है गूगल पे देख लो। उस सेंधा नमक को पानी में लाके अपने पूरे घर में उसका पोछा मारना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोछा मारना है पूरे घर में और हर दिन करना है, हर दिन। अब इससे कैसे वाइब्रेशन क्लियर होगा, तो जो बैड एनर्जीज होती है ना, जो निगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो इससे रिमूव होता है। जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, जो आपके जैसे होता है ना, कोई खुशबू ऐसी होती है जो आपको सड़ेला महसूस कराती है, कोई खुशबू ऐसी होती है जो आपको खुश कर देती है, सिर्फ वो खुशबू तो है, उस खुशबू के अंदर कुछ केमिकल्स है ना, कुछ मटेरियल्स है ना, वो मटेरियल्स जिस तरह का वाइब कंटेन करते होंगे उस तरह की फीलिंग आपके अंदर आई, वही नमक पोछा मारना है। सुबह सुबह आपको ये इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह आपको अपनी निगेटिविटी को हील करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 108 टाइम्स महामृत्युंजय का पाठ करना है। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लाइक दिस, मुंह से आवाज आनी चाहिए मन में नहीं। इसी तरह से सिंपल, हड़बड़ में नहीं। आप बहुत बेचैन हो, आपको आज रात में मूवी देखने जाना है, काम वाम कुछ नहीं है, ऐसे ही बस अट पगली। आपको ये 108 टाइम्स डेली सुबह में नहाने के बाद ये पढ़ना ही पढ़ना है। और ये नमक पोछा अगर एक दिन में नहीं कर पाओ ठीक है, नमक वाला दो चार दिन अमेजन से ऑर्डर कर दो, लेकिन ये शुरू कर दो। ये जो रिजल्ट देगा ना, इसकी जो वाइब्रेशन होती है, जो एनर्जी होती है, ये आपके अंदर एक पंप करता है, एनर्जी को पंप करता है, निगेटिविटी को खत्म करता है, हील कर देता है। और कोई भी रिलेशन हो, जब आप ठीक हो जाओगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, करके तो देखो। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कोर्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है। डीएम करना तो पहले फॉलो कर लेना, बहुत तुम लोग तेज हो मुझे पता है। कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हो, जवाब आपको मिलेगा, लेट हो सकता है पर मिलेगा जरूर। अब क्या, खत्म, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी, तब तक जाओ खाना खा लो, भूख लगी है तुम्हें पगली। टेक केयर, गॉड ब्लेस, लेट्स रॉक।